अगली खबर आ रही है इंदौर से, जहां बेटमा के गांव उत्तरसी में बीमारी फैल गई है। अब तक बीते 2-3 दिनों में 35 से ज्यादा लोग बीमार मिल चुके हैं, संख्या और अधिक है। इन लोगों में सर्दी, बुखार, उल्टी, शरीर में दर्द के लक्षण हैं। इनमें से 10 लोगों को अलग अलग अस्पतालों में एडमिट किया गया है, जिनमें से 2 इंदौर के एक प्राइवेट अस्पताल में एडमिट है। अचानक एक साथ इतने लोगों के बीमार होने के साथ स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। विभाग ने वहां टीमें भेजकर 40 से ज्यादा लोगों के सैंपल लिए हैं, जिनमें से कुछ में डेंगू के लक्षण मिले हैं। मामले में गांव वालों का कहना है कि क्षेत्र की चंबल नदी में किसी फैक्ट्री का केमिकल उसमें मिल गया है, जिससे लोग बीमार हो रहे हैं। करीब 250 लोगों की आबादी वाले उत्तरसी गांव के लोगों में घबराहट है। उनका कहना है चंबल नदी में लेबर्ड की एक निजी कंपनी द्वारा केमिकल वाला पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे लोग डेंगू व मलेरिया के शिकार हो रहे हैं। शनिवार को बेटमा स्वास्थ्य विभाग के CHO दीपिका प्रचंड, ANM सीमा जाट, आशा कार्यकर्ता भावना पोरवाल की टीम गांव में पहुंची। वहां लोगों ने बताया कि उन्हें ठंड के साथ बुखार, उल्टी, लूज मोशन, शरीर दर्द के लक्षण हैं। यहां गांव में अर्जुन मीणा, प्रतीक नागर, छगन पटेल, ज्योति नागर, राजेश मीणा, यशोदा नागर, संगीता नागर, गीता मीणा, ईश्वर मीणा, सनी मीणा, अजय मीणा, टीना और विशाल मीणा सहित अन्य बीमार हैं। टीम ने इनके सहित अन्य लोगों के डेंगू व मलेरिया के सैंपल लिए हैं। इनके अलावा समंदर सिंह पटेल व दीपक पटेल को इंदौर में एक प्राइवेट अस्पताल में एडमिट किया है, जबकि सत्यनारायण पोरवाल व भावना को बेटमा के अस्पताल तथा कलाबाई पोरवाल व रोहित पोरवाल को गौतमपुरा के अस्पताल में एडमिट किया गया है। इनमें से कुछ मरीजों की प्लेटलेट्स काफी कम हो गई हैं तथा इलाज चल रहा है। गांव के कमल पटेल व अनिल नागर ने बताया कि नदी में मिले केमिकल से पानी दूषित हुआ है, संभवतः इसी कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। उधर जिले में पिछले 3 दिनों से विभिन्न क्षेत्रों से डेंगू के कुल 14 मरीज मिले हैं, जिनमें से एक्टिव केस 5 है। वैसे इस साल डेंगू के कुल 194 केस मिले, जिनमें से 31 बच्चे हैं। जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर दौलत पटेल ने बताया कि इनमें हाल ही में बेटमा के कोई मरीज नहीं है, उनमें अभी ठंड लगने व बुखार के लक्षण है। वहां मरीजों के सैंपल लिए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट अभी नहीं मिली है। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602888590 पर।